अलैकुम। आज है 10 मुहर्रम, तो आज रोज़ा है 10 मुहर्रम का। यहाँ पर मैं किचन में बना रही हूँ बिरयानी, तो बस उसकी प्रिपरेशन चल रही है और मैं ज़्यादा सूप नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि रोज़े की हालत में ज़्यादा मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ आपको। तो बिरयानी बनाऊँगी, सालन भी बनाऊँगी चिकन का। 10 मुहर्रम का रोज़ा है और सभी रोज़ा रखते हैं 10 मुहर्रम का, और रखना भी चाहिए, सुन्नत है तो हमें ज़रूर रखना चाहिए। और इस दिन हमें अपने गुनाहों की कसरत से तौबा करना चाहिए हमें, और अपनी मगफरत की दुआ करना चाहिए क्योंकि ज़रूर बख्शिश होती है इस दिन। ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ हमें दुआ करना चाहिए, तौबा करना चाहिए अल्लाह से। बिरयानी तैयार हो गई है और बहुत अच्छी रंगत आई है माशाल्लाह, और बस ये बांट दी जाएगी अफ्तार के बाद मोहल्ले में। यहाँ पर मैं साथ में बना रही हूँ चिकन का सालन भी, तो बस टाइम भी हो गया है रोज़े का, तो वहाँ पर दस्तरखान भी मैंने लगा दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं बस, तो जो कुछ भी है फ्रूट्स वगैरह मैंने रख लिए हैं। और नॉर्मल रोज़े को मैंने बनाया था भजिया हलवा वगैरह, बट आज मैंने ये खाना बिरयानी में टाइम लग गया, तो ज़्यादा अफ्तारी वगैरह नहीं बनाई है। पर अफ्तारी भी लगा दी है, दस्तरखान भी लगा दिया है, और बच्चों ने बनाया है टैंग, और शरबत भी है यहाँ पर जो मुहर्रम स्पेशल शरबत होता है, ये रख लिए 2-3 पीस। टाइम हो गया है, बच्चे बैठ गए हैं और मस्ती कर रहे हैं, और बिट्टू को बहुत अच्छा बोल रहा था, मम्मा क्या रोजे आ गए, रमजान शरीफ आ गया। तो मैंने खजूर से नहीं खोलता, सर्वस से खोलता है ये वाइट। टाइम हो गया है और यहाँ पर मेरे यहाँ पर अजान की आवाज़ नहीं आती, तो 4 मिनट ज़्यादा देर से हो जाए फिर मैं रोज़े अफ्तार करती हूँ। तो बस टाइम हो गया है और रोज़े अफ्तार कर लूँ, और बच्चे मस्ती कर रहे थे, तो इस टाइम पे बच्चों की मस्ती भी अच्छी नहीं लग रही थी अफ्तार के टाइम। पर लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर, ये है मेरे मायके के में जो ताजिए बनते हैं, तो मेरे भतीजे ने फ़ोटो कुछ भेजी है वहाँ से, तो वही शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। उसने जस्ट फ़ोटो भेजी तो मैंने शेयर कर दी, और देखी कारीगरों की कारीगरी कितनी अच्छी है और कितने अच्छा वर्क किया है, वाकई तारीफ है। और जस्ट मैं यही आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से उन लोगों की मेहनत है, वर्क किया है, और कितने अच्छे से ताजिए बनाते हैं ये लोग,